देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सिटी गैस वितरण परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया तथा अन्य साधनों के मुकाबले प्राकृतिक गैस के लाभों की जानकारी दी, जिसका सीधा प्रसारण गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित समारोह में किया गया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधायक फतेह बहादुर सिंह, शीतल पांडे, महेंद्र पाल सिंह, संत प्रसाद, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, विपिन सिंह, संगीता यादव, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ल, जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी, पार्षद और भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। तत्पश्चात गोरखपुर में इस सिटी गैस परियोजना का शिलान्यास प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिलापट का अनावरण करके किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर, संतकबीर नगर एवं कुशीनगर में एक साथ इस परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है। सीएम ने कहा कि प्राकृतिक गैस के प्रयोग से शुद्ध पर्यावरण में योगदान के साथ साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह मुहिम काफी उपयोगी होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए कहा कि प्रदेश की आबादी इस सुविधा से आच्छादित होगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आगे कहा कि प्राकृतिक गैस एक बेहतर ईंधन है। प्राकृतिक गैस का उपयोग होने पर रसोई गैस में सिलेंडरों को स्टोर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से यह एक स्वच्छ पर्यावरण बनाने में सहायक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। इस कंपनी की शुरुआत श्री यू एन मेहता जी ने की थी। 40% सस्ती है और पीएनजी की कीमत सब्सिडी वाले एलपीजी के बराबर है। भारत में ऊर्जा भंडार के प्राकृतिक गैस का हिस्सा वैश्विक स्तर पर 30.40 है के मुकाबले 6.2% है। भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक गैस के हिस्से को देश के ऊर्जा भंडारण में 15% तक बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित है। देवियों सचिवों दिसंबर 2015 में पेरिस में हुए COP21 सम्मेलन में देश ने प्रतिबद्धता की है कि भारत 2030 तक 2005 के स्तर के मुकाबले 35% तक कार्बन उत्सर्जन में कमी करेगा। हम चूज कर रहे हैं आपको अपने बीच, अपने समक्ष पाकर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, जो कि गोरखपुर। अब तक जो गैस आप लेते थे वो 72 रुपए किलो पड़ती थी। मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हुआ अपनी बात तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ यहाँ जुड़े और हमारी जनता को आपने, हमारे मेहमानों को आपने संबोधित किया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखिए यहाँ पर मौजूद है है। जोरदार तालियों से आपका स्वागत किया जाए। और अब मैं चाहूंगी कि हम एक बार फिर से वापस दिल्ली की ओर चलते हैं, जहां पे हमारे प्रधानमंत्री जी हमें संबोधित करने वाले हैं। देश में 5,000 बायो सीएनजी स्टेशन बनाने की योजना 1,000 करोड़ की रसोइयों में
स्पेस इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रहा है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां भी तो यही कहती हैं कि जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। न्यू इंडिया के तीव्र गतिमान विकास में प्राकृतिक गैस की ऊर्जा का साथ हो, PNGRB पेट्रोलियम एवं क्षेत्र की परियोजनाओं की शिलान्यास हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करना चाहूंगी कि वो अपने कर कमों द्वारा आज इस परियोजना का उद्घाटन करें, शिलान्यास करें। हमारे बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं और अब इस परियोजना का यहाँ अनावरण हो रहा है। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी गोरखपुरवासी स्वागत करें इन क्षणों का। उजालों की नई नई मिसालों से मेरा देश निखर गया है। हाँ, मेरा देश प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया 14 राज्यों में 124 जिलों के 50 भौगोलिक क्षेत्रों के लिए नगर गैस वितरण के 10वीं बोली चक्र का शुभारंभ करें, एप्लीकेशन कम बिल डॉक्यूमेंट का विमोचन करके। इन डॉक्यूमेंट्स में टर्म्स एंड कंडीशंस का भी उल्लेख है। सबसे बड़ी बात ये जो प्रक्रिया है ट्रांसपेरेंट है और इन्वेस्टर्स फ्रेंडली है। 9CGT राउंड की सारी सफल विशेषताओं को अपने आप में संजोए हैं। देश के लोगों के जीवन को आसान बनाने से जुड़ी
बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथियों 2014 तक 2014 तक देश के सिर्फ 66 जिले जहां पर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के दायरे में वहां तक पहुंचता। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश के 174 जिलों में सिटी गैस का काम चल रहा है। अगले 2-3 वर्षों में 400 से ज्यादा जिलों तक इसकी पहुंच होगी। ये कोई छोटे मोटे आंकड़े नहीं, हमारे शहरों ने बीते 4 वर्षों में की तरफ कैसे मजबूत कदम उठाया है, ये उसकी भव्य तस्वीर है। 2014 में लगभग 25 लाख घरों में पाइप गैस कनेक्शन था। 4 साल में इसकी संख्या बढ़कर के लगभग 2 गुनी हो चुकी। जिन शहरों में कार्यों की शुरुआत हुई है उसके बाद ये संख्या 2 करोड़ के पार पहुंचने की उम्मीद है। इसी तरह 2014 में देश में 947 सीएनजी स्टेशन थे। कि आज से लगभग 25 साल पहले देश के 3 शहर दिल्ली, मुंबई और सूरत जहां पर पहले सीएनजी स्टेशन खुले, तब से लेकर 2014 तक इनकी संख्या 947 तक पहुंची। यानी मोटे तौर पर अगर हम औसत निकाले तो कह सकते हैं कि 1 साल में करीब करीब 40 सीएनजी स्टेशन खुले। इतने सारे हर वर्ष 40, अब इनकी संख्या भी बढ़कर 1470 से ज्यादा हो चुकी है। अनुमान ये भी है कि इनकी आने वाले दशक के अंत तक सीएनजी स्टेशन की संख्या बढ़कर 10,000 के पार होने की पूरी व्यवस्था है। भाई बहनों, केंद्र सरकार के 4 वर्षों के अथक प्रयास के बाद अब देश इस स्थिति में आ गया है कि वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विकास में पहले की अपेक्षा आज कई गुना तेजी से आगे बढ़ सकता है। इस क्षेत्र के विकास में आने वाली रुकावटें, साइलोज, डिस्ट्रीब्यूटर को आने वाली परेशानी, हमने हर चुनौती को एक एक कर दूर करने का प्रयास किया। मैं जिस रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र की बात करता हूं उसका ये सेक्टर बहुत ही उत्तम उदाहरण है। सरकार ने बीते 4 वर्षों जो कदम उठाए, जो रिफॉर्म किए, उससे सेक्टर की परफॉर्मेंस बढ़ा दी है और हम ट्रांसफॉर्म के दौर के प्रवेश कर रहे हैं। साथियों, 2022 हमारा देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। हम 130 करोड़ देशवासी मिलकर एक भव्य भारत, एक नए भारत के निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जो आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त और पुरानी
बढ़ चुकी व्यवस्थाओं से मुक्त इसी विजन के साथ देश के एनर्जी सेक्टर का कायाकल्प किया जा रहा है। ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि देश में बढ़ रही इकोनॉमिक एक्टिविटी से एनर्जी की डिमांड बहुत बढ़ा रही है। ऊर्जा की इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के साथ ही हमें क्लीन एनर्जी के हमारे कमिटमेंट का भी ध्यान रखना है। हमें दुनिया को यह भी दिखाना है कि पर्यावरण को बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए भी विकास हो सकता है। ऐसे में अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए नेचुरल गैस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारा प्रयास है कि अगले दशक के अंत तक देश में नेचुरल गैस की खपत को 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ाया जाए और इसलिए सरकार गैस बेस्ड इकोनॉमी के सभी आयामों पर ध्यान दे रही है। देश में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एलएनजी टर्मिनल्स की संख्या बढ़ाने, नेशन वाइड गैस ग्रिड और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर एक साथ काम किया जा रहा है। लिक्विड नेचुरल गैस के इंपोर्ट की क्षमता बढ़ाने के लिए पुराने टर्मिनल्स का आधुनिकरण तो हो ही रहा है, नए एनर्जी टर्मिनल भी बनाए जा रहे हैं। 10,000 करोड़ की लागत राशि से तमिलनाडु के एन्नोर और ओडिशा के धामरा में नए एनर्जी टर्मिनल्स का काम आखिरी चरण में। इसी तरह देश के ज्यादा से ज्यादा जिलों तक नेचुरल गैस पहुंच सके इसके लिए नेशनल गैस ग्रिड का इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। इसके तहत जगदीशपुर, हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। साथ ही उत्तर पूर्व के दूसरे क्षेत्रों को इस गैस ग्रिड से जोड़ने के लिए इस प्रोजेक्ट का विस्तार बरौनी से गुवाहाटी तक किया जा रहा है। इन परियोजनाओं पर लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन परियोजनाओं की वजह से गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी इसके ये तीनों फर्टिलाइजर प्लांट्स को भी एक नया जीवनदान मिलने जा रहा है। सिक्किम समेत नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य को इस ग्रिड से जोड़ने के लिए 9,200 करोड़ से ज्यादा की लागत राशि से इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड नाम से एक ज्वाइंट वेंचर भी बनाया गया। साथियों, जो निवेश इस सेक्टर में निवेश कर रहे हैं उनके हितों की रक्षा का भी ध्यान रखा। घरेलू गैस की कीमतों को ग्लोबल गैस मार्केट से लिंक करने का काम पहले ही किया जा चुका है। घरेलू स्तर पर गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए कंपनियों को मार्केटिंग और प्राइसिंग फ्रीडम देने के, गैस की कीमतों पर ध्यान देने के लिए गैस ग्रिड के संचालन के लिए एक इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर भी बनाया गया। इसके साथ ही देश में फ्री गैस मार्केट का वातावरण बनाने, इस सेक्टर में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार गैस ट्रेडिंग एक्सचेंज को विकसित करने पर भी काम कर रही है। भाइयों, इन तकनीकी पहलुओं और आंकड़ों के साथ ही हम सभी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इन कार्यों, इन परियोजनाओं का देश पर सकारात्मक प्रभाव। ये कार्य सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर
लोगों को रोजगार मिले था। आज नवी पीढ़ी के तहत जो कार्य शुरू हुए हैं उससे भी सीधे तौर पर कम से कम 3 लाख नौजवानों को रोजगार मिले था। इसके अलावा जो दूसरी व्यवस्था विकसित होगी वो भी रोजगार के लाखों नए अवसर बनाए। खासतौर पर पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता। कहने का मतलब ये कि गैस बेस्ड व्यवस्थाएं सिर्फ उद्योगों को ही नहीं उस जिले के लोगों के रहने का तौर तरीका भी बदल गया, उनके जीवन पर बदल गया। आने वाले कुछ 1 वर्षों आप भारत के सैकड़ों शहरों में इस बदलाव को आप खुद होते हुए देखेंगे और आप भी उसके सहभागी होंगे। हम खुद को इस मामले में सौभाग्यशाली महसूस कर सकते हैं कि हम अपने जीवन काल में इतने बड़े परिवर्तन होते हुए देख रहे हैं, वरना मुझे वो दौर भी याद है जब देश के आम नागरिक अपने घर में गैस का सामान्य कनेक्शन लेने के लिए सांसदों विधायकों को तभी सिफारिश की चिट्ठी लिखवाने के लिए कतार में लगा। उस स्थिति से देश बहुत आगे निकल चुका। अगर मैं कहूं कि साल 2014 में देश के लोगों ने सिर्फ सरकार ही नहीं बदली बल्कि सरकार की कार्यशैली, कार्य संस्कृति और योजनाओं को लागू करने का तौर तरीका भी बदल दिया है तो गलत नहीं होगा। आज इस अवसर पर मैं आपको इसी सेक्टर से जुड़ा एक और उदाहरण दे रहा हूं। हम लोग आज गैस पे इकोनॉमी की बात करते हैं लेकिन हमें यह भूल नहीं भूलना चाहिए कि देश में एलपीजी का कनेक्शन दिया जाना 1955 में शुरू हुआ था। इसके बाद से 2014 देश में 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए, यानी 7 साल में 13 करोड़ कनेक्शन। देश में सारे संसाधन वही है, लोग वही है, फाइलें वही है, दफ्तर वही है, बाबू का काम करने का तरीका भी वही है। फिर भी 4 साल में लगभग 12 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 4 साल में 12 करोड़। अगर उस गलती से चलते तो शायद हमारे 2 पीढ़ी के बाद भी ये लाभ परिवार को नहीं मिलता। घरेलू गैस कवरेज का जो दायरा 2014 के पहले सिर्फ 55% था, अब बढ़कर लगभग 90% हो गया। निश्चित तौर पर इसमें उज्ज्वला योजना की बहुत बड़ी भूमिका है। 1 मई 2016 को शुरू होने के बाद से अब तक उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 6 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। इस योजना में देश के गांव में रहने वाले लोगों के जीवन जीने का तरीका बदल गया। इस बिल्डिंग के प्रोसेस के बीच, शिलान्यास के बीच, आज पल भर के लिए हमें उस महिला के बारे में भी सोचना था जो अब तक
देश काम की तरफ बढ़ते देश के कदमों ने उसका जीवन जरूर बदल दिया है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में जहां पर पीएनजी के सुविधा प्राप्त
प्रारंभ होने जा रही है। वहां से रसोई गैस की आपूर्ति आपको इसी रूप में होनी प्रारंभ होगी, जैसे पानी से पाइप से पानी की आपूर्ति होती है, इसी तर्ज पर रसोई गैस की आपूर्ति भी आने वाले समय में पाइप से होगी। पाइप नेटवर्क गैस पीएनजी यह इसी रूप में आपके घरों तक पहुंचाने का कार्य होगा। और साथ ही साथ औद्योगिक प्रदूषण, वाहनों के प्रदूषण से मुक्ति के लिए भी सीएनजी का जो बेहतर उपयोग होना है उसके लिए भी अलग अलग स्थानों पर स्टेशन स्थापित होंगे और एक बड़ी आबादी न केवल पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त होगी, अभी तो हम ग्रीन ईंधन और नेचुरल ईंधन का उपयोग करते हुए इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर में जो खाद कारखाना का निर्माण हो रहा है, ये खाद कारखाने के लिए भी आप सब जानते हैं पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिससे नेचुरल गैस के माध्यम से हम खाद का उत्पादन करने के साथ साथ यहाँ के किसानों के लिए समय पर खाद की आपूर्ति, यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था और साथ ही साथ यहाँ के पर्यावरण की सुरक्षा भी इतने बड़े उद्योग को लगाने के बाद भी हम कर पाएंगे। इस दिशा में बहुत बड़े कार्य हो रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने अभी आपके सामने कहा भी कि आज हमने बायोफ्यूल की जो अपनी पॉलिसी बनाई है, आप अक्सर अपने घरों में अपने खेतों में जो पराली होती है उस पराली पर आग लगा करके न केवल खेत की उर्वरता को नष्ट करते हैं, अभी तो उस खेत में जलने वाली पराली के माध्यम से जो प्रदूषण पैदा होता है, एनजीटी बार बार उस पर आपत्ति कर चुकी है और ऐसे लोगों पर ऐसे किसानों पर भारी जुर्माना करने का भी निर्देश देती है। लेकिन हम लोगों ने एक व्यवस्था की है कि आने वाले समय में हम लोग ऐसे उद्योग लगाएंगे जहां पर इस प्रकार के पराली का उपयोग करके न केवल किसान को उसका अतिरिक्त दाम देंगे, अभी तो उससे भी हम बायोफ्यूल बना करके उसके माध्यम से वाहनों को चलाने के लिए ईंधन उसके माध्यम से प्राप्त करेंगे और पराली को जलाने से जो प्रदूषण पैदा होता है उससे न केवल हम पर्यावरण को बचा पाएंगे, तो उस पराली से अतिरिक्त दाम भी हम किसानों को देने में सफल होंगे। और इस दिशा में अगले महीने हम लोग गोरखपुर में लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से एक नए संयंत्र की स्थापना, जिसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की मदद से गोरखपुर में होगी, झोलिया पार में, इसके लिए प्रदेश सरकार ने जमीन भी आवंटित कर दी है और वहां पर इस कार्य को सफलतापूर्वक हम करेंगे। पहले चरण में गोरखपुर महानगर के अंदर घर घर तक पाइप से रसोई गैस की आपूर्ति करना, आप समझ सकते हैं कि जब आप रसोई गैस के सिलेंडर रखते हैं तो रसोई गैस के सिलेंडर से जमीन रसोई गैस का सिलेंडर आपका घेरता है, दूसरा रसोई गैस में कभी कभी खड़तोली की बात भी आती रही है, चोरी की शिकायतें भी होती रही हैं, कम गैस आपूर्ति की बात भी लोग करते रहे हैं, लेकिन जब पाइप से नेचुरल गैस की आपूर्ति होगी तो आप याद करेंगे कि जितना रसोई गैस आप अपनी किचन में इस्तेमाल करेंगे केवल उतने का ही बिल आपको देना होगा, आने जाने भाड़े का दाम आपका वैसे ही उठ जाएगा। और मेरा यह अनुमान है कि रसोई गैस कि अगर दो सिलेंडर आपके घर में लगते हैं एक महीने में, तो पाइप से जब रसोई गैस की आपूर्ति होगी तो कुल आपके घर में केवल डेढ़ सिलेंडर के बराबर ही रसोई गैस से आपके पूरे घर का खर्चा उससे चल पाएगा। इस दृष्टि से गोरखपुर महानगर में पहले चरण में यह कार्य आज प्रारंभ होने जा रहा है। प्रदेश के अन्य जनपदों को भी कुशीनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और प्रदेश के अन्य तमाम जनपदों को भी इस दिशा आच्छादित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। यह पर्यावरण हितैषी है,
जन स्वास्थ्य की जिससे उत्तम व्यवस्था है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज इस व्यवस्था को, इस कार्यक्रम का शुभारंभ, नवीं बिल्डिंग का शुभारंभ किया है और दसवीं बिल्डिंग में जिन जनपदों को आना है उस प्रक्रिया को उन्होंने प्रारंभ किया है। मैं एक बार पुनः, जो कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे बड़े प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या इससे लाभान्वित होगी, इसके लिए एक बार पुनः उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, विश्वास व्यक्त करता हूँ कि शासन की इन योजनाओं का, केंद्र और प्रदेश सरकार की इन सुविधाओं का लाभ आप सब लेकर के इन सुविधाओं के माध्यम से न केवल पर्यावरण के संरक्षण में अभी तो स्वयं के स्वास्थ्य को भी उत्तम बनाने में आप सबको मदद मिलेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।